नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन दाखिल किया। सोमवार को शिवराज अपने परिवार के साथ बुधनी विधानसभा सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने नर्मदा देवी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद थे। चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। 14 सालों से वनवास काट रही कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को पीसीसी में पत्रकार वार्ता कर शिवराज सरकार पर किसानों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर 8 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। बीते एक साल में 21,000 किसानों ने आत्महत्या की। वहीं महिलाओं और बच्चों पर अपराध के मामले में प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 17 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। इस सूची में सांसद अनूप मिश्रा का नाम भी है। भितरवार से अनूप मिश्रा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आज जारी हुई सूची में इस चर्चा पर मुहर लग गई है। मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब भी घमासान मचा हुआ है। सबसे ज्यादा माथापच्ची भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर हो रही है। यहाँ बीजेपी ने फैसला होल्ड पर रखा है। वहीं कांग्रेस भी भाजपा के बाद ही प्रत्याशी घोषित करेगी। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की परंपरागत सीट है। प्रत्याशियों की सूची में गोविंदपुरा का नाम नहीं होने से विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर गौर ने बगावती तेवर दिखाए हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी गौर एक बार और कह गए तो मुझे टिकट क्यों नहीं मिलेगा, मैं हर हाल में बीजेपी से और गोविंदपुरा सीट से चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही गौर ने साफ कर दिया है कि वह निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोमवार को दतिया जिले में जनसंपर्क मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म भरा। इस दौरान उनके साथ सांसद भगीरथ प्रसाद और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नामांकन भरने से पहले पीताम्बरा मंदिर जाकर मंत्री मिश्रा ने पूजा अर्चना भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों द्वारा संजय सिंह के कांग्रेस में शामिल होने वाले सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है, ये व्यक्ति के स्वयं का फैसला है। पार्टी में जब तक लोग रहते हैं, मैं तब तक उनको कार्यकर्ता मानता हूँ। पार्टी सबसे बढ़कर है। जिसको पार्टी की समझ नहीं, उसके लिए हमारी कोई समझदारी नहीं है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस मुद्दे पर या तो भाजपा के नेता जवाब देने से बच रहे थे या सवालों को गलत बताकर टाल रहे थे। इसके अलावा कई भाजपाई नेताओं को इस सवाल पर गुस्सा भी आ रहा है। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी विश्वास सारंग ने धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर नामांकन दाखिल किया। सोमवार को विश्वास ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि विश्वास सारंग नरेला क्षेत्र से ही मौजूदा विधायक हैं और इस बार उनके खिलाफ कांग्रेस ने महेंद्र सिंह चौहान को मैदान में उतारा है। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। सत्तासीन भाजपा चौथी बार सरकार बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें टोटकों का सहारा भी लिया जा रहा है। 2003 में राजधानी स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में गार्ड रूम को तोड़कर पानी की टंकी बनाई गई थी। बीजेपी की जीत के साथ इस तरह का मिथ जुड़ा हुआ है कि जब भी चुनाव होते हैं पार्टी टंकी का निर्माण करवाती है, और इस बार भी बीजेपी ने पानी की टंकी का निर्माण कराया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी। नमस्कार।